वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल जीके स्टेटिक जीके के सेकंड सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग दो सीरीज कर रहे हैं, एक लाइव और एक बिना लाइव का, जो कि आप लोग जो अगर बुक लिए होंगे स्टेटिक जीके वाला, जो कि रघुवीर आर्यभट्ट दिखा चुके हैं, अनिल सर भी दिखा दिए, रघुवीर सर भी दिखा दिए, तो तीनों दिखाए तो हम भी एक बार दिखा दे रहे हैं। ये देखिए बुक, तो इसी से कर रहे हैं स्टेटिक जीके पार्ट टू। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिस तरह से सीरियली वाइज हम पूछना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? ऑप्शन है हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन या विराट कोहली क्रिकेट। हरभजन सिंह कबड्डी, ये क्रिकेट से संबंधित है और ये सबको सबको पता होगा क्योंकि हरभजन सिंह क्रिकेट खेलते हैं, अभी कमेंट्री भी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे आर्यभट्ट से, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि संतोष ट्रॉफी, ये देखिए खेल वाला जितना भी है, संतोष ट्रॉफी आपका जितना भी कप वाला है ना, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ही को याद रखे हैं, बैटन कप, और बैटर हॉकी नहीं खेलता है। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? दार्जिलिंग का चाय। याद कर लीजिए क्योंकि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद, तो पहला याद रखना चाहिए, पहला जरूर याद रखना। मिला था वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग चाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय, और महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया, और बिहार का मगही पान को 2018 में दिया गया, क्योंकि ये हम पढ़ के बताए आपको। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, करेक्टर रिकॉग्निशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। RBI के लोगो LOGO में कौन से जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर। बहुत बढ़िया, रॉयल बंगाल टाइगर, आप देखे भी होंगे लोगो बनाया हुआ है भारत RBI का लोगो में, और ताड़ का पेड़ भी है। हाँ, तो ये बता देंगे, ये बहुत बढ़िया। तो RBI जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और RBI के बारे में बता दें कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और साथ ही साथ RBI के लोगो में ताड़ का पेड़, जैसे कि रघुवीर अभी बता चुके हैं, राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी शायद 1949 में किया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और SBI का राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा 1955 में, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट में जाइएगा 1949-55 में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे किसे, आर्यभट्ट से ना, तो प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अजीज प्रेम जी, NR नारायण मूर्ति, परवीन महापात्रा या राजीव सिकरी। इसका है नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। और याद रखिएगा, बहुत सारे चीज है इसमें भी बताने के लिए, जैसे राजीव सिकरी के द्वारा चैलेंज एंड स्ट्रेटेजी रीथिंकिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी गई है, और अजीज प्रेम जी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस पुस्तक के लेखक संदीप खन्ना एवं वरुण सूद है। तो ये सब भी छोटी छोटी बातें हम लोग बता दिएंगे, देख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और जीके का जितना भी सीरीज हम लोग ला रहे हैं, जो जो हम लोग ला रहे हैं, अगर देखते रहिएगा तो वो दिन दूर नहीं जब आप ग्रुप डी में NTPC CBT 2 में आपका रिजल्ट, और भी झारखंड बिहार जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी आपका मेहनत और आपका लक काम देगा, बाकी हम क्या कहें, बाकी आप लोग का मेहनत। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रघुवीर सर से है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, बहुत बढ़िया, अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा अकेस को अपनाया गया था, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील, आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। उसके बाद प्रथम वैश्विक जल सम्मेलन 7 से 8 फरवरी को 2019 को जेनेवा या स्विट्जरलैंड में किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। UNEP का स्थापना 1972 में की गई थी, और 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इतना पॉइंट रखिएगा यार, जैसे कि वो बहुत लोग इसे पॉइंट बताते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, अनिल सर की तरफ से शायद होगा ये क्वेश्चन, रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन, संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, कवि प्रदीप या गोस्वामी तुलसीदास। कवि प्रदीप। तो कवि प्रदीप ऐसे ही भी ऑप्शन से छट गया, आप लोग जानते भी होंगे,
और इसके बारे में बता दें, कवि प्रदीप की जो रचनाएं हैं, ए मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दे दी आजादी बिना खड़क, ये सब लिखा है। और ये गाना फेमस भी हुआ, जैसे दे दी हमें आजादी बिना खड़क में देशभक्ति गीत है, तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? कवि प्रदीप के द्वारा। बहुत बढ़िया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सबको पता होगा, वास्को डी गामा 1498 में, केप ऑफ गुड होप की तरफ से आया था। और कौन निवासी था? पुर्तगाली निवासी था। और ये भारत की खोज किया था। और अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस 1492। ठीक है, 1492 जहां तक मुझे पता है, लेकिन बोल रहा 1494। आप लोग कमेंट करके बताइए 1492 या 1494। 1494 सर, आई एम श्योर। क्या हुआ? कोई 92 ही लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा कि 1492 या 1494। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, या 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस? कौन सुमेलित नहीं है? 5 अक्टूबर वृद्धजन दिवस। ये 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। हाँ, 5 अक्टूबर जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसी तरह जवाब देना है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI या PNB? RBI। तो बिल्कुल ही बहुत बढ़िया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक, यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक, ध्यान से सुनिएगा ये सब, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट, या इनमें से सभी? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही है। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? सुनीता श्रीवास्तव। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानते हो कुछ बता दो। चलिए, तो सुनीता श्रीवास्तव प्रथम महिला सचिव थी। और प्रथम महिला जो, सॉरी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? मीरा कुमार। तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको पता होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री पता होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, उसको सबसे पहले लेडी में भारत रत्न मिला था। और शायद 71 या, देखिए कितना जानकारी दे रहे हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। देखिए इतना नॉलेज दे दिया, अब क्या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया लापाज, इथियोपिया लुसाका, या यूक्रेन कीव? इसका तो, इसका तो हो गया, तो इसका आंसर हम नहीं जानते हैं, बोले जी। इसका आंसर होगा इथियोपिया लुसाका नहीं होगा, बल्कि इथियोपिया का आदिस अबाबा होता है, बाकी का सब जान ही रहे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया, मरणोपरांत जो है भारत से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। कितना बार पूछा गया, मेरा भी एक सेट में आ चुका है ये वाला, और 1966 में मिला था। ताशकंद समझौता है 1966 में, तो उसी समय मृत्यु हुआ था जाते समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन? ये भी क्वेश्चन हमारे सेट में बहुत बार आ चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक या प्रचारक कौन थे? ऑप्शन दीजिए, श्री श्री रविशंकर, सहजानंद स्वामी, पंडित रविशंकर, या स्वामी नारायण? श्री श्री शंकर। तो श्री श्री रविशंकर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, याद रखिएगा। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है? ऑप्शन, एथनोग्राफी, एथनोसेंट्रिक, एथनोबॉटनी, और कल्चरल रेलवे रिलेटिविज्म। ए नंबर, एथनोग्राफी। बहुत बढ़िया। और ये हम लोग जब हम लोग क्विज में बायोलॉजी वाला क्विज अगर आप लोग गौर से देखे होंगे, ध्यान पूर्वक सुने होंगे, तो निश्चित रूप से आपको आंसर पता होगा एथनोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के जाल का केंद्र में कितना ऊंचा होता है? 5 फीट। तो बैडमिंटन का जो जाल होता है वो होता है 5 फीट, और फुटबॉल के जाल का केंद्र होता है 8 फीट, थोड़ा याद रखिएगा। साजन प्रकाश किससे संबंधित है?
तैराकी से। बहुत बढ़िया, साधन प्रकाश जो है तैराकी से है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चीजें हैं जिससे कौन खेल से संबंधित है आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे क्रिकेट से तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा हरभजन सिंह किससे संबंधित है, रोहित शर्मा किससे संबंधित है, लेकिन जैसे ही बात आता है बैडमिंटन में और ये टेनिस में फुटबॉल में तो आप लोग थोड़ा चूक जाते हैं, थोड़ा वो सब भी जानकारी रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? सिनेमा। तो सिनेमा बिल्कुल सही। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना आप लोग को सब्सक्राइब करने में, कर लीजिएगा।